लेगा, एक तो रुक गया था। तो यहाँ पे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वन वाई वन जेड वन, यहाँ पे वन माइनस वन, जैसे यहाँ पे ये बता रहा था यहाँ पे कि अगर सर इसको सिंपलीफाई नहीं करेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे कैसा हो जाएगा डायरेक्टली एक्स का वन जेड का वन और वाई का माइनस वन, इसके यहाँ पे पहले सिंपलीफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पे कितना मिला पहले शुरू, एक्स का वन वाई का माइनस वन और जेड का वन स्क्वायर। यहाँ पे थर्ड में एक्स का टू वाई का वन जेड का माइनस वन, तो ये रेडी। फिर उसके बाद हम निकालेंगे इसका डी ए। अब सबको मालूम है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आई थिंक सो। यार रिटर्न में तो सबको सॉल्व करने आता ना, डिटरमिनेंट ये सबको ही सॉल्व करने आता है, इसमें कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक सो। ठीक है, तो देखो अभी हाउ टू सॉल्व दैट वन, वेरी सिंपल वन। वेरी सिंपल, तो सी है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, डी के बाद निकालेंगे डी ए। क्या बोला, व्हाट इज द प्रोसीजर? डी ए में रिप्लेस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट पे रिप्लेस करो। तो ये कितना मिला 15, ये कितना मिला 5, और ये कितना मिला 4। और यहाँ पे सेम वाई के कोएफिशिएंट देखो, वन वन देन आफ्टरवर्ड माइनस वन एंड देन इज द प्लस वन, उसके बाद जेड की वैल्यू इज वन माइनस वन इज देयर। फिर हम निकालेंगे डीबी, डीबी कैसे सॉल्व करेंगे, रिप्लेस द डी ए नहीं अपना एक वेरिएबल एक्स वाई जेड में, इस वजह से यहाँ पे डी एक्स और ये डी वाई है ना। तो डी वाई मतलब कितना दे दूँ, डी वाई वन वन टू इज देयर, वन वन टू इज देयर, रिप्लेस दैट वन बाय कॉन्स्टेंट 15 5 4, और जेड के कोएफिशिएंट एज इट इज मतलब कितना, वन वन माइनस वन इज देयर। और यहाँ पे बराबर करिए तो जेड के कोएफिशिएंट वन वन माइनस वन इज देयर। ठीक है, लास्ट में डी जेड निकालेंगे हम, डी जेड का बोलो क्या आएगा, रिप्लेस जेड बाय कॉन्स्टेंट, तो वन वन टू इज रिमेन एज इट इज, वन माइनस वन वन रिमेन एज इट इज, रिप्लेस दैट जेड बाय कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट 15 5 एंड देन 4 इज देयर। अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, इसके बाद आगे आ जाएगा आपको। देख डी एक्स डी वाई डिजिट निकालने के बाद एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, और जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई डी। सिर्फ क्या सॉल्व करना है, यू टू सॉल्व द डिटरमिनेंट डी, यू टू सॉल्व द डिटरमिनेंट डी एक्स, यू टू सॉल्व द डिटरमिनेंट डी वाई, यू टू सॉल्व द डिटरमिनेंट डी जेड इज देयर। इफ वन क्वेश्चन इज देयर, ओके ठीक है, थोड़ी आवाज लाउड करेंगे इसमें, आवाज में आ रही बोले। ठीक है, तो यहाँ पे डी निकाल सकते हैं हम, डी एक्स निकाल सकते हैं, डी वाई निकाल सकते हैं, और डी जेड तीनों भी निकाल सकते हैं। एक डी बी क्या होता था यहाँ पे, और योर कन्वीनियंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी हियर, वन वन माइनस वन, माइनस वन इज देयर, वन इंटू माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस वन, देन वन इंटू वन वन, देन इज द प्लस टू इज देयर। तो वन में से वन गया जीरो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये होगा प्लस का थ्री, एक और तो तीन, तीन और तीन, ये होगा हमारा सिक्स, मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो इज देयर। ठीक है, तो डी बहुत जरूरी है, डी नॉट इक्वल टू जीरो आया इसका मतलब हम आगे सॉल्व करेंगे, और डी अगर से जीरो हो गया तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता है क्या, नहीं, सीधा बोलेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे डी आ गया इक्वल टू सिक्स, उसी प्रकार से डी एक्स डी वाई और डी जेड निकालेंगे, और उसमें से हम क्या निकालेंगे, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू मतलब क्या निकालने के बाद हम बोलेंगे, देयरफॉर द थ्री नंबर्स आर, एक्स जो भी आएगा वो, वाई जो भी आएगा वो, जेड जो भी आएगा वो, इस वन। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व दैट वन, ऐसा लगता है। अगर से इंटरेस्ट है तो बता देता है यहाँ पे फास्ट में सॉल्व करके, बट यहाँ पे आवश्यकता नहीं है ऐसा लग रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का है, बहुत बड़ा काम भी नहीं है। डीएक्स को सॉल्व करके बताओ जरा, एक लास्ट वन कितना मिला, वन फॉर्मूले का माइनस वन देन माइनस वन देन व्हाट एवर सो इट इज माइनस फाइव माइनस फोर इज देयर देन प्लस वन प्लस वन के बाद कितना मिला फाइव प्लस फोर इज देयर आफ्टर सॉल्विंग यू गॉट हियर माइनस फाइव माइनस फोर माइनस नाइन इट बिकम द प्लस नाइन बिकॉज वन माइनस वन जीरो and this nothing but 5 plus 4 is a 9, 9 plus 9 is a 18 is there. तो dx को निकाल के बता दें मैंने 18 आ गया, उस तरीके से आप क्या निकालेंगे dy, फिर क्या निकालेंगे dz। अब देखो
मेरे पास डी मालूम है और डी एक्स मालूम है, तो इस पे से पहले नंबर आ गया मेरे पास, एक्स इज इक्वल टू कितना, बाय ट्रैवर्सल डी एक्स बाय डी, डी एक्स कितना है 18 और डी कितना है 6, 6 इनटू मेरे, तो पहले नंबर कितना है 3, तो उस प्रकार से डी वाई निकालो, तो डी वाई बाय डी मतलब सेकंड नंबर, तो उस प्रकार से क्या निकालेंगे डी जेड, तो जेड इज इक्वल टू डी जेड बाय डी मतलब थर्ड नंबर, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द थ्री नंबर्स आर, पहले नंबर तो निकाल लिया मैंने 3, बाकी के दो नंबर निकाल के हम लिख लेंगे। तो बोलने का मतलब ये कि क्वेश्चन वही है, क्रैमर्स रूल से ही है, मगर पूछने का ढंग अलग है, क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछते, थ्योरी में क्वेश्चन दिया तो पहला काम उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशंस में, फिर कन्वर्ट करने के बाद उसको अपना क्रैमर्स रूल से पहले डी डी एक्स डी वाई डी जेड निकाल के एक्स वाई जेड कर क्वेश्चन। तो ये बिट पे इतने ही क्वेश्चन थे क्रैमर्स रूल पे, अगले बिट की तरफ जाएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बिट इज दैट, और दो तीन क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए ग्रुप पे डालेंगे, तो सबसे पहले इस पे ये तो बिट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट बिट की तरफ जाएंगे हम। तो द नेक्स्ट बिट इज द वेरी सिंपल वन, तो देखो अभी नेक्स्ट बिट, तो नेक्स्ट बिट क्या है, यहाँ पर consistency of three equations in two variables, consistency of three equations in two variables, next bit Cramer's rule completed, पहला application determinant का complete हुआ Cramer's rule, उसमें एक तो simple question आएंगे, अभी थोड़ा question को twist करेंगे, या तीसरा question type में क्या रहेगा, what type question रहेगा, equation में convert करके solve करना है, तो Cramer's rule में ऐसे तीन प्रकार के questions आ सकते हैं। अब next application है इसका consistency of three equations in two variables, consistency of two equations, three equations sorry, consistency of three equations, equations three रहेंगे मगर कितने variables में, in two variables, दो variables में, in two variables, it is a bit, consistency of three equations in two variables is there, टू वेरिएबल्स के नाम ही बोलेंगे, टू वेरिएबल्स x एंड y, इसमें कंसिस्टेंसी देखेंगे, सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या, तो कंसिस्टेंसी यानी सबसे इंपॉर्टेंट है, समझो दो तीन इक्वेशन है, एक है a1x b1y = c1, एक है a2x